एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ बिग बाजार और KFC। हाँ, तो राजा को वहाँ चिकन खाना था। मैंने सोचा मैं वहाँ के राइस बॉल खा लूँगी, और ये पता नहीं क्यों इतना डरपोक टाइप का है। वहाँ कुत्ते भौंक रहे थे बाहर, तो ये तब से ऐसे हल्ला मचा रहा है और मेरे ऊपर चढ़ा हुआ। अब देखे बस ये देखिए क्या हो गया है तुम्हें, इतने डरते क्यों हो? ये पता है बहुत ज्यादा डरता है, और जब ये डरता है ना तो ये सिर्फ मेरे पे जंप मारता है और गोदी में और बालों के पीछे छुप जाता है। हाँ वाह छोटू, अब मेरे को खाना बनाना है। मैं इसे खाना देके जाऊंगी, बोनी को भी एक बोन दूंगी मैं, क्योंकि वो पेडिग्री राजा के हाथ से खाता है और मेरे हाथ से खाना नहीं खाता है, बचपन से नहीं खाता है वो, है ना? हाँ चलो बना रहे, खाना बना रहे। ये है भूखी आत्मा, इसको खाना बना के देना पड़ेगा वरना इसे भूख लगेगी तो कैसे चलेगा, है ना? है ना बोनी? बनाने है खाना, बनाने है। दिन मैंने इसे फॉर्मूला मिल्क दिया था और अभी थोड़ा हैवी देती हूँ मैं, रात में एक बार सैलड देती हूँ मैं इसे। तो फॉर्मूला मिल्क आता है पपीज के लिए आता है, बहुत सही चीज़ है वो। आपको मिल्क नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और जो सैलड है ना वो मैं पानी भी देती हूँ, इसलिए मोटा कर दिया। तो खाना तैयार हो गया, अभी फिर राजा आ गया है, फिर मेरे पास बोजो भी है, तो राजा से मिलेगा बोजो तो मैं से खाना ही ले सकती फिलहाल। तो राजा आके बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। बच्चा पाल रही हूँ मैं, मैंने टॉप अलग गंदा कर दिया। कहाँ मिट्टी से आए थे तुम? मैं लगातार 3 दिन से वाइट वाइट पहन रहे हैं ना। अब बस राजा संभाले मैंने, ताकि मैं कंगी कर लूँ और बेल्ट वगैरह। अरे यार तुम्हारा ना ये छोटा कुत्ता है ना, कुत्ते भौंक रहे थे इनके भी डर गए इतना कि मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कब से? खाना तक गोदी में लेके बनाना पड़ रहा है, स्लीप भी नहीं छोड़ सकती। आपको पता है वो मैट फट गई है वहां से, ये इसका काम है। इनने मैट फाड़ी है खुरच खुरच के, एक जगह से हल्की सी वो हुई थी, इनने खींच दी 2 जगह से मैट। वो तो नहीं की हरकतें कभी, ये इनकी हरकतें खराब है। हाँ क्या इस जगह पे डरपोक क्यों है? डरपोक सही में डरपोक कुत्ता लाया है ना, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। पहचान है हमें, पहचान है, जान पहचानते देखा और आ पहचानता है। खाना नहीं खाना क्या? खाना नहीं खा रहा क्यों? जो खाने के बिना नहीं रहता है वो तो खाना नहीं खा रहा है। गूगल कभी खाना नहीं छोड़ता है और उसने आज खाना छोड़ दिया। इसकी तबीयत खराब है क्या? देखो बारिश हो रही है। है पार्किंग से निकल ली नहीं, इसलिए पुल कैसे पड़ा? मैं संजू के कारण आज ही संजू सबका बंधु, संजू सबका बंधु। छाता किधर है? छाता है कहाँ? वो जो रखा है इधर लगा दे। हाँ, नहीं इधर लगा दे, इधर। हाँ उधर ही लगा दे। कितने? ये हमने गैस ली है और क्या लिया राजा? मैं घर चल के दिखाऊंगी, ग्लास का सेट। गाड़ी चल रही है, अरे रुको तो, अरे धीरे चलो, पैसे तो चल रहे। बात करें सो गाइस,
हम लोग भी बाजार गए थे, वहाँ से गैस लेके आई और कुछ क्या थे ना, क्या लाए थे, मक्स वगैरह कुछ ग्लास आपको दिखाऊंगी मैं, आपको दिखाऊंगी चल के। फिलहाल मैंने खा लिया हम लोगों ने KFC में, इनने तो आई थी बहुत बता के भी लिया ना, इनने मैंने आके चेंज किया है और मैं आपको दिखाऊंगी गैस और क्या बिग बाजार। तो सबसे पहले तो एक ही लाए हैं ये बिग बाजार बेस्ट डील 349 रुपीस का। तो मैंने आपको जब मक्स ही लाए थे हम लोग, तो हम लोग यहाँ बहुत सारे ग्लासेस, मतलब कि पूरा मोहल्ला पी ले, इतने इनने ग्लासेस और पता नहीं बहुत सारा कलेक्शन करके रखा, मतलब राजा को बहुत पसंद है। तो ये लाए हैं ये दो, बहुत क्योंकि ज्यादा हैवी नहीं है ये कौन है, अरे इसमें तो दो दो मेरा रख दिया उसमें, ये एक ही है। अच्छा ये लाए एक बड़ा वाला ग्लास 349 रुपीस का, ये बहुत हैवी है, इसमें इसमें कोई पिएगा अपने बन शो पीस के लिए है तो मस्त लग रहा है, देखिए कितना अच्छा है, मतलब इसका हाथ देखिए उठाने में ऐसा लग रहा है कुछ इतना हैवी है ये। उसके बाद ये दो लाए हैं ये ग्लास, दो इसमें आएंगे, ये 149 के दो थे, नहीं दो पीस आप देख सकते हैं, ये भी अलग है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, हैवी है, बहुत पानी पिला दो तो क्या असर है, ये दिखा तो दिया मैं, कितनी बार दिखाऊंगी, दिखाया क्या अलग है, अच्छा ये अलग है, ओके मेरे को लगा ये दिखा दिया, ये वाला थोड़ा लंबा पैटर्न है, ये अलग है, ये अलग है, ये पता नहीं कौन कौन सी क्लास उठा के लाया, इन्हें बोला मैं खरीद रहा हूँ, मैंने बोला हाँ तुम खरीदो मैं गैस देख लेती हूँ, फिर मेरे पास 3 बर्नर की गैस थी, बर्नर में से थोड़ी बहुत गैस इधर उधर जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा अनसेफ लग रहा था, तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी चेंज करने के लिए, और अभी हम गैस के पर्पज से गए नहीं थे। बात बताऊँ जब रसोई बनी थी उस टाइम पे जुलाई में बनी थी पिछले साल, तो जो गैस की पाइप थी वो थोड़ी सी गंदी सी हो गई थी, तो मैंने उनसे बोला था गैस की पाइप ले आना, ये गैस की पाइप ले आए, और जुलाई से नेक्स्ट जुलाई मतलब एक साल हो गया है रसोई बने, एक साल हो गया, हाँ ऑलमोस्ट मतलब आगे पीछे हो गया, तो एक साल हुआ है, और जो पाइप है ये है, ये पाइप तब से रखी हुई है, इन्हें कुछ नहीं किया उस पाइप के साथ, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गैस लाए हैं उसे अरेंज करते हैं, तो देखते हैं जो गैस है वो उस पर आ पाती है, आराम से आ जाएगी राजा है, और पाइप भी चेंज करनी है, पाइप चेंज करना टास्क के लिए। काफ़ी अच्छी स्पेस जो है, हम लोग की जो वाली गैस थी वो लंबाई में बड़ी थी, इसकी चौड़ाई तो ये है नई गैस, ये है गैस, इस पे उद्घाटन में हलवा बनाएंगे कल, हाँ
गाइस फाइनली जो गैस है वो अरेंज हो गई है. मैंने सोचा नहीं था बट आ गई. कमेंट आए थे कि मेरी जो गैस है वो लीक कर रही है, तो फिर मुझे लगा कि उसे चेंज भी करना था. उसे कुछ बर्नर्स वगैरह ख़राब थे, बर्नर लेके आए थे तो उसी कारण थोड़ी सी जल टाइप ही गई थी गैस, जो क्लीन भी नहीं हो रही थी और इधर उधर से लीक कर रही थी. तो फिर मेरे को लगा यार चेंज कर लेते हैं. तो हम गए थे जब विशाल, तब तो हमने वहाँ पे एक दो गैस देखी थी बट पसंद नहीं आई थी ना. हाँ मतलब वो सब सामान विशाल से ही नहीं, वहाँ विशाल से और ऐसे सामान, कपड़े वपड़े भी सही हैं थोड़े बहुत अगर आपको घर में पहनने के लिए चाहिए तो वैसे सही हैं, वैसे नहीं. और बिग बाज़ार की क्वालिटी अच्छी है तो फिर हम लोग को लगा यार वहाँ से ले लेते हैं. देखिए जी हम बिग बाज़ार गए थे, मुझे थोड़ा सा राशन शॉपिंग करनी थी और राशन मैंने एक भी चीज़ नहीं ली. उसी में इतना टाइम लग गया गैस फाइनलाइज करने में. जब राशन वाले उस पर गए थे उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी, उन्होंने बोला कि आप पैकेट वाला ले लीजिए, पैकेट वाले में दे दो. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्ची आ जाओ. हाँ पैकेट वाले में खा लेना तू. मुझे क्यों लग रहा है? वो काट रहा है. हाँ पैकेट वाले में समझ में नहीं आया वो छोटे वाले से, मैंने बोला नहीं फिर रहन दो फिर मैं बाहर से ही लूंगी. थोड़ा सा रखने दो. हाँ सो आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि बोनी इसको पकड़ के और उसको पकड़ के मैं खाना बनाती हूँ, तो कौन चाहता है कि मैं अपना हैंड वॉश रूटीन भी शामिल करूँ? हाँ यार हैंड वॉश तो, अगर ये हैंड वॉश करेंगे तो वीडियो कौन बनाएगा? हाँ अगर मैं हैंड वॉश करूँगी तो वीडियो कौन? मैं ट्राईपॉड में पहले ट्राईपॉड सेट करूँ वॉश बेसिन के पास एंड देन हैंड वॉश करते दिखाऊँ, और जितनी बार मैं इसे पकड़ू उतनी बार जाकर मैं दिखाऊँ मैंने हैंड वॉश किए. सो ये कुछ पर्स, ये कुछ शायद सेंसिबल चीज़ें होती हैं कि जब भी आप खाना बनाने जा रहे हो या आपने पग को पकड़ा है या आप कोई भी चीज छू रहे हो या खाना खाने से पहले होती है कि आपको पता रहता है कि खाना खाने से पहले. बचपन में सिखाया ना, बचपन में सिखाया है ना स्कूल में, मम्मी पापा ने भी सिखाया ना खाना खाने से पहले, खाने में हाथ लगाने से पहले. ये तो मेरी उंगली खाता है तो मुझे तो पता नहीं कितनी बार वॉश करने चाहिए है ना. ये मुझे बहुत गंदा करता है, ये मुझे बहुत गंदा करता है. इसने मेरे ऊपर आज पता है क्या किया है? बाप रे. सो मैंने कहा आज ब्लॉग में बोला था कि मैं इसको नहीं लाऊंगी ब्लॉग में, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि हम इसको देखना चाहते हैं, इसको नहीं लाओगे तो कैसे चलेगा, इसको नहीं लाओगे तो इतना क्यूट, इसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं आप में से बहुत सारे लोग. तुम्हें लाना पड़ेगा. मैं नेल पेंट चेंज नहीं कर पाई, मैं सीरियसली क्या कर रही हूँ समझ में नहीं आ रहा. एक नेल पेंट चेंज नहीं करते बन रही है मुझसे. हाँ तो राजा काम कर रहे हैं, राजा एक काम करते हैं वो होता है रात में बिस्तर को डन करना, राजा का काम है. ये देखिए मेहनती आदमी बनियान में काम कर रहा है. ऐसा लग रहा बनियान में उतार रहा है, ऐसी गर्मी लग रही है, ऐसी काम ये एसी पता है कल से रात से दिक्कत हुई है कि जो एसी है वो काम ही नहीं कर रहा है. अरे सुबह हलवा बनाऊंगी मैं, सुबह सबसे पहले हलवा बनाऊंगी मैं, मीठा बनना जरूरी है. हाँ घर की नई गैस आई है, नई बहू नहीं, नई बहू ने क्या बनाया था, मैंने खीर बनाई थी, खीर मैंने बनाई भी नहीं थी बता रही क्या हुआ था. तो जिस टाइम वो शगुन होता है उस टाइम पे वो थी खाने वाली जो हाउस हेल्प रहती है तो उसने बनाती थी, और राजा के मैंने बोला था तुम आके शक्कर डाल दो, तो मैंने यहाँ पे उस पर जाके शक्कर डाल दी थी. और वो ये हो गया कि बहू ने बनाई क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे और उस टाइम आई थिंक सत्यनारायण की पूजा भी थी, तो फिर उन्होंने बोला ऐसे कर दो, तो मैंने ऐसा कर दिया. तो वो पहला मीठा था जो मैंने बनाया था. और राजा के पापा को मैंने पहला आलू का पराठा खिलाया था या हाँ, उन्हें बहुत, उन्हें पता है मेरे हाथ के पराठे पसंद है बहुत ज़्यादा. मेरे हाथ के पराठे राजा को पसंद है, राजा की मम्मी को पसंद है, ऊपर किराएदार रहते थे वो तक आके खाते थे कि मैं शिवानी बहुत अच्छे पराठे बनाती है. तो आलू के पराठे, कोई भी तरह के पराठे, मतलब थोड़ा टेस्ट आपको पता है हाथों का अलग हो जाता है, तो थोड़े अच्छे पराठे. राजा की मम्मी अच्छे पराठे बनाती हैं, वो थोड़े मोटे पराठे बनाती हैं, मैं थोड़े पतले पराठे बनाती हूँ, और मतलब थोड़ा सा अंतर रहता है. तो मुझे दूसरों के हाथ के पराठे पसंद है, कुछ लोगों को मेरे हाथ के पराठे पसंद है, जैसे किसी किसी बहुत तो पराठे बनाते हो बोलो, तो पराठे कब से बनाने लगे? पराठे वाली गली से आया था बोनी, तुम पराठे बनाते हो? पराठे वाली गली से आए हो? मैं पराठे नहीं बनाता हूँ, मैं पराठे नहीं बनाता, मैं पेडिग्री के पराठे बनाता हूँ. किसी को खाने हैं तो बताओ, किसी को खाने हैं पेडिग्री के पराठे बनाता हूँ, कोई खाना चाहता है तो बता दे, वरना फिर
ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। किसी को खाना है तो बता दो, ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। अगर नहीं बताओगे तो फिर मिलेंगे नहीं। बोझो के स्पेशल हाथ के पराठे बनते हैं ऑर्डर पे। पेडिग्री पराठा, पेडिग्री वाला पराठा। व्लॉग को एंड कर रही हूँ, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। कल नई गैस पे बनेगा तो दिखाऊंगी मैं आपको पहला हलवा। पहला हलवा मीठे का उद्घाटन। और मुझे उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हाँ है ऑप्शन आपके पास, आपकी मर्जी। जॉब करना चाहते हो वो करिए, करना चाहते हो वो करिए। तो चलिए, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप लोग करना चाहते हैं करिए। तो चलिए बाय। हाँ नहीं, लव यू ऑल।